नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रविकुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप लोगों को एक बेहद बड़ी खबर लेकर सामने हाजिर हुआ हूं, जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लोगों का जो है ग्राम पंचायत में इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। खासकर कर्मचारी अधिकारी लगातार ऐसे कार्य करते जा रहे हैं, और खुलासा भी होता है, जैसे कि आप लोगों को कल ही मिला होगा कि एक बैंक कर्मचारी के ऊपर जो है तो लोकायुक्त ने छापा डाला, और लगातार ऐसे ही कहीं ना कहीं घोंस मांगते मिलते हैं। वैसे ही कुछ मामला और इनका जो काम नहीं होता, पूरे ग्रामीणवासी यहाँ पर हाजिर हैं, और इतने सारे लोग हर आए दिन कोई ना कोई एक व्यक्ति आता है और काम करवाने की मांग करता है, लेकिन किसी तरीके से काम नहीं किया जाता। इसीलिए शायद पूरे लोग आज मिलकर आए हैं यहाँ पर, जो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि कितनी बड़ी यहाँ पर भीड़ है। ये सभी यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि इनका किसी न किसी तरीके से काम हो सके। यहाँ पर हमारे साथ विवेक जी भी उपलब्ध हैं, जो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके का मामला और क्यों लेकर यहाँ पर इतनी सारी भीड़ आए हैं। क्या मामला है सर? मामला असल में ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार, ग्राम आपने देखा हो ग्राउंड में सबसे ज़्यादा समस्या पंचायत राज में है भ्रष्टाचार, और पंचायत राज की भ्रष्टाचार करें। हमारे साथ मौजूद हैं इटौही पंचायत की जनता, चूंकि काफ़ी पीड़ित है। मनरेगा अंतर्गत सरकार शासन ने एक सिस्टम चलाया था कि कोई भी मजदूर बाहर पलायन नहीं करेगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, गाँव में ही रोजगार में। मनरेगा अंतर्गत बहुत सारे कार्य आए, लेकिन ऐसा हुआ, काम तो करवाया गया लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों का पैसा भी नहीं दिया गया। आज पीड़ित परिवार कम से कम 70-80 लोग मौजूद हैं, मजदूर हैं जो गाँव की इटौही पंचायत से, उनका पैसा नहीं दिया। पंचायत में काम योजनाएं तो आती, लेकिन इटौही पंचायत के सिवा भी बात करें तो लगभग 70% गांव वहां होंगे जहां आज भी जो है तो मुक्ति धाम नहीं कंप्लीट हुआ है। गौशाला की बात करें, गौ माताएं सड़कों पर घूम रही मारी जा रही हैं कहीं ना कहीं, तो आज गौशाला भी पेंडिंग। मतलब जो भी शासन पंचायत की योजनाएं सब आधे अधूरे तरीके से, इटौही पंचायत की आधे अधूरे के, चूंकि मौखिक में जनता मौजूद ये बताएगी भी आपको जानकारी। इन सारे मामलों बीच में मैं रोकूंगा आपको, मैं ये जानना चाहूंगा कि जनता ऑलरेडी गाय हो मवेशी हो खुद पालना पसंद नहीं कर रही, गली गली में जनता ही छोड़ रही है, तो ये बताइए कि सरकार किस किस को बिने। जरूर, इसमें चूंकि आपने बड़ा अच्छा शब्द कहा, लेकिन देखिए ऐसा है कि जनता ने जो पाल रखा है, जो पालक होते हैं, पशुपालक होते हैं, उनकी तो लापरवाही है कि उन्हें अपने मवेशियों को सड़कों पर नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक गाय ने दूध दिया तब तक आपने उपयोग किया, जब गाय ने दूध बंद कर दिया तो आपने छोड़ दिया, सबसे बड़ी लापरवाही तो इनकी। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ लापरवाही, लेकिन शासन ने एक योजना बनाई कि मैं उन लापरवाहों के लिए एक यूनियन ऐसी बना जाए कि हर गाँव में बाड़ा बनेगा, हर गाँव में गौशाला बने, और गौशाला के साथ जो भी मवेशी बाहर पाए जाएँ उन्हें बाड़े में रखा जाए, उनके ऊपर जुर्माना किया जाए कम से कम 2000-4000 रुपये का। एक भी मवेशी कोई छोड़वाने आता है 2000 रुपये जुर्माना हुआ, दोबारा छोड़ेंगे नहीं। अब बाड़ा तो बनने के लिए है लेकिन गड्ढे पड़े हुए हैं, आज तक बाड़ा नहीं बना है। अब मवेशियों को छोड़ दिया गया है चौराहे में, जब बाड़ा ही नहीं बना तो कहाँ जाएंगे ये बेजुबान जानवर, अपनी पीड़ा को प्रकट नहीं कर सकते। इनसे दो समस्याएं पैदा हो रही, एक तो वो मवेशी कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं तो बेजुबान जानवर है, वो अपनी दर्द पीड़ा बयां नहीं कर सकते तो मारे जा रहे हैं, और दूसरी चीज जो किसान खेती किया है तो उस किसान की खेती में अगर ये मवेशी चले गए उसका लाखों का नुकसान हुआ। तो इसके लिए शासन को ही एक विकल्प निकालना पड़ेगा, लापरवाह जनता के लिए कानून संविधान बनाए, और संविधान किस तरह से सुधारे वो दो चार के ऊपर कार्रवाई अपने आप लाइन पे आ जाएं। तो मैं तो ये मानता हूं कि शासन को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने मामलों को लेकर, इन कार्रवाइयों को लेकर। तो देखिए पंचायत राज का भ्रष्टाचार, गौशाला की समस्या, और बहुत सारी जो समस्याएं थी इनमें मैंने निम्नलिखित में इनको जिला सीओ साहब को नाम से अवगत। इनमें से कौन ऐसा है जो खास आपके पास आया हुआ है, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। जरूर, आप आ जाए। कहां कौन है जो यहाँ पर खास शिकायत लेकर आए हैं? हालांकि सभी लोगों का कुछ ना कुछ होगा, आप आ जाइए, आपका क्या है मामला बताएं। जनता जो है इतनी सारी यहाँ पर भीड़ में आई, सभी का कुछ ना कुछ मामला होगा, क्या मामला है आपका? क्या मामला सर? ये है कि ग्राम पंचायत बिजनी टोला अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत ग्राम इटौही में इतना भ्रष्टाचार है। सहायक सेक्रेटरी के द्वारा देवी प्रसाद उपाध्याय, जो सहायक सेक्रेटरी हमारे यहाँ के हैं, इतना भ्रष्टाचार किए हैं कि सीमा ऊपर इतना हद हो गया है। कुछ जेसीबी से कार कराया गया, कुछ मनरेगा से कार कराया गया, जो कि आज तक उनकी उन लोगों को, गरीबों को 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, आज तक मजदूरी नहीं मिली हुई है। जो काम कराया गया वो पूरा घटिया तरीका से है, पूरा अधूरा काम पड़ा हुआ है। तो इसकी शिकायत आपने किया कि हमें ग्राम पंचायत में मजदूरी नहीं मिली? नहीं मिली, हम इसको जिला सीओ के एक बार शिकायत किया था, एक बार वहाँ किए थे अपर कलेक्टर को, आज तक हमारे यहाँ मजदूरी नहीं मिली हुई। गरीब क्या क्या सीओ के द्वारा क्या जवाब दिया गया? सीओ के द्वारा जवाब दिया गया कि आपको अनुशासन मिलेगा, आपको मजदूरी दी जाएगी, गरीबों का आपका हनन नहीं होगा। पर लेकिन आज तक 4 साल हो गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब का मामला है ये? आज 3 साल का मामला है।
आपने सीईओ को कब जानकारी दी है? ये 2 साल हो गया। 2 साल अभी तक कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इस लापरवाही को क्या कहेंगे? लापरवाही को हम कहेंगे कि यहाँ के शासन प्रशासन भ्रष्टाचार ही, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे गरीब मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो क्या करेंगे आप? सहायक सेक्रेटरी को बोलते हैं तो कहते हैं जाओ ना, जिसको पास करना हो तो कर दो, ऐसा बोलते हैं। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, यहीं आएंगे तो बैठेंगे, धरना देंगे, गरीबों को खाना। यहाँ आप क्यों बैठेंगे? यहाँ तो सीईओ साहब बैठेंगे, उनकी कुर्सी है, आप क्यों बैठेंगे? यहाँ बैठेंगे हम लोग काम करके, उनके कुर्सी जनता का नौकर है, जनता का सेवा करें। आपने परमिशन लिया बैठने का? परमिशन लेंगे नहीं लेंगे तब भी जबरदस्ती बैठेंगे, क्या करेंगे ये जनता? नहीं, ऐसे ऐसे सीईओ, ऐसे सरपंच, ऐसे सचिव जो हैं काम नहीं कर रहे हैं। लगातार आप सभी आए हैं यहाँ पे, काका हैं, काका आपकी क्या शिकायत है बताइए? नहीं क्या है कुछ बताएंगे आप? भाई मेरी बात है कि जो मजदूरी किए साहब नहीं दी। अच्छा वही मामला, वही मामला। ये रहा आप लोगों को पूरा लगभग जनता के द्वारा जो लगातार शिकायत बनी हुई है, यहाँ पर आए दिन यहाँ पर होता रहता है। आप बताइए क्या साल हो गया इनका पैसा? आज 4 साल पैसा हो गया। किसके पास है आपका पैसा? सहायक सेक्रेटरी के पास। कितना पैसा है आपका? हमारा पैसा 10,000 है, मान लेकर की इंदारम काम करिए थी, नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। कितने साल हो गए आपको? कहता है कि तुम्हारा मैडम के खाता ज्वाइंट है तो उसको देखो, उसको मान ले का कि तुम्हारे लड़का के खाता में ज्वाइंट होगा उसमें देखो, उसको हमको मान ले का कि स्टेटमेंट दिखाओ। क्या स्टेटमेंट दिखाएं सर, कहीं पैसा नहीं है। अब क्या करेंगे आप? अगर नहीं होगी कार्यवाही तो क्या करेंगे आप? पैसा छोड़ देंगे आप ना? कैसे छोड़ेंगे तो क्या करेंगे आप? न्यायालय बना हुआ है तो कैसे की बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है? यार किए आप, शिकायत किया आपने, हाँ तो कुछ होगा निराकरण इसका? यही निरा करते करते परेशान हो गया। मैं ये कहना चाहूँगा सभी को, सभी जनता जो कि कुछ सो रहे हैं, कुछ जग गए हैं, इतने जग गए हैं, यहाँ पर आई महिलाएं भी हैं, यहाँ पर जो जग गए हैं वो हाजिर हैं, जो सो रहे हैं अभी बिस्तर पे ही होंगे या फिर भटक रहे होंगे, क्योंकि यहाँ मरने के बावजूद भी पैसा निकलता है। आप लोगों को पता होगा कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा कि मर जाता है फिर भी मजदूरी करता है, ये सचिव का काम है, सरपंच का काम है, मरने के बावजूद भी उसके पैसे निकलते हैं। पता नहीं साला अंगूठा कहाँ से आ जाता है उनका, कहाँ से सिग्नेचर आता है। ये तो बड़ी बात है कि मरने के बाद भी पैसा निकाल लेते हैं। अभी ग्राम पंचायत बंजारी की बात करेंगे, वहाँ पर अभी मवेशियों की बात इन्होंने किया, मवेशियों में से मैं बात करूँगा कि कुछ ही दिन, अभी लगभग 3-4 दिन पहले की बात है कि करंट के द्वारा फांसी लगाकर कुछ गायों मवेशियों को मारा जा रहा था। प्रदीप है हमारे साथ जो कि ये बताएंगे कि किस तरीके का कार्य हुआ। आपको शायद इस मामले में जानकारी है, बताएं कि क्या हुआ। हाँ, अज्ञात लोग थे, बाड़ा में गायों को एक ही गिराई में 4-4 गोरुओं को बांध दिए थे और बांधने के बाद चले गए छोड़ के मेरे को। यहाँ से मैं सीधी से गया, मेरे को जानकारी हुई, मैं वहाँ गया, उनको मुक्त कराया। तो कहीं ना कहीं यदि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा किसी को 2 मिनट का जीवन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और आए दिन आए ऐसे करेक्शन उठ ही रहा है, जब शासन ही इस तरह का करेक्शन उठवा रही है तो जनता क्या करेगी। तो अब क्या लगता है कि मवेशी बिल्कुल असुरक्षित हैं, उनका जीवन नहीं है? मवेशी जो है, पशु जो है, तो पूछते हैं, रोड में खड़ा होकर पूछते हैं कि हमारा घर कहाँ है, हमारा निजी निवास कहाँ है, शासन कर रही तो कर क्या रही है। जब इस तरह से अनबोलता पशु प्रश्न चिन्ह बन जाते हैं तो शासन को इस्तीफा दे देना चाहिए और जंगल को चले जाना चाहिए, छाड़ के अपना देश को, अपनी गद्दी छाड़ के जंगल को प्रस्थान कर लेना चाहिए, फिर राज चलाने के योग्य नहीं है। आपने सरपंच से शिकायत किया था, इस पर सरपंच से बताया पूरा मामला? कई बार ऐसे सरपंच तो मुर्दा ही है, अनपढ़ है, वो तो ऊंचा छाप है, वो तो पुतला बन के रखा है, वो क्या करेगा। अभी देख रहे हैं आप सरपंच के ही मामले में, जैसे कि करेक्शन उठता कहाँ से है, जो सहायक सचिव जो है इस पंचायत में, तो हमारे हिसाब से इसका पोस्ट तो खत्म ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो है तो यही सब गलत काम करता है। सरपंच और सेक्रेटरी के इसमें रोल नहीं है। करेक्शन उठता कहाँ से, इसमें मेन करेक्शन सीईओ होता है, जनपद सीईओ, जिला सीईओ। ये क्या करते हैं, इनको बढ़ावा दे के रखे हैं। ये क्या है कि इनका शेयर चलता है, शेयर 1 रुपये दिल्ली से चलता है। अटल जी बोले थे कि 1 रुपये चलेगा दिल्ली से तो जनता के तक 10 पैसे मिलेगा, आज वही चल रहा है।
क्योंकि इसमें सेक्रेटरी को पकड़ा जाए, सेक्रेटरी का खाता चेक किया जाए, कितने आदमियों को पैसा शेयर किया है, कितने आदमियों को पैसा दिया है, ये सब पकड़े जाएंगे। हमारा तो कहना है सरकार से, मेरा ये निवेदन है कि जितने जिला में सीओ आए हैं, सीधी जिला में जब सीओ आए थे, सेक्रेटरी हुआ था, सरपंच हुआ था, उनके खाते में पहले कितना पैसा था, आज उनके खाते में कितना पैसा है, चेक किया जाए, ये करेक्शन पकड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं करेक्शनकारी यही है, ये भ्रष्टाचारी है, ये लिप्त है, इसीलिए तो सीओ दावे साथ सेक्रेटरी बोलता है कि जाओ जहां जाना है चले जाओ। तो हमारा तो अब इस सरकार से आसरा उठ चुका है, सिर्फ एक ही आसरा है जो है न्यायालय का द्वार, वो दिला सकता है न्याय। बाकी यहाँ रोज धरना प्रसारण करने से, रोज खड़ा होने से कुछ नहीं होगा। ये धरना प्रसारण ही करना है तो लाठ लेके आओ, ताला बंद कर दो, 20 लाठ मारो, सब दूसरे दिन से कलेक्शन बंद हो जाएगा। प्रदीप जी का कहना है कि एक ही प्लेट के चट्टे बट्टे पूरे यहाँ पर बटे हुए हैं, जो कि एक रुपया अगर आता है तो पहले बट जाता है, फिर 10 पैसे जनता तक पहुँचता है, तो 10 पैसे में किसको मिलेगा। ये सभी मामला जो है वाकई में जांच का विषय है, और इनका जो मुद्दा है, जो ये कह रहे हैं कि सीओ हो या फिर कोई भी हो, एक बार जाँच करना चाहिए कि जब वो आया तो उसके अकाउंट में कितने पैसे थे, और सैलरी के अलावा उसके अकाउंट में कितने पैसे हो रहे हैं, जिनको इनकी मांग है। लेकिन अब होगा क्या, ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्या इन गरीबों की बात सुनी जाती है या नहीं। जल्दी आपके साथ फिर से हाजिर होंगे, और देखते रहिए आप तरंग 24 न्यूज़। मैं रविकुमार पांडे आप लोगों के साथ, नमस्कार, जय हिंद।